स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सिक्वेंशियल सैम्पलिंग की सिक्वेंशियल uh, सैम्पलिंग जो है ये भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है और ये uh, जो सैम्पलिंग टाइप है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वीनियंट कोटा एंड परपसिव सैम्पलिंग एज वेल इन सिक्वेंशियल सैम्पलिंग द रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड एज मैनी रेलिवेंट केसेज एज पॉसिबल अनटिल टाइम फाइनेशियल रिसोर्स और इजो और हर एनर्जी इज एग्जॉस्टेड और अनटिल देर इज़ नो न्यू इन्फॉर्मेशन और डाइवर्सिटी फ्राम द केसेस ये जो टाइप uh, जो है एक रिसर्चर तब यूज़ करता है जब उसने सेचुरेशन पॉइंट अचीव करना हो मीन्स टू सेट कि रिसर्चर जो है वो uh, uh, जो है रिस्पोंडेंट्स को सैम्पल करता रहता है रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट करता रहता है जब तक उसको ये जो फीलिंग आना नहीं शुरू हो जाती कि जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ वो एक जैसी नहीं होनी शुरू हो गई यानी देर इज़ नथिंग न्यू इन द डेटा और दूसरा जब तक उसके पास फिनेशियल रिसोर्स हैं और जब तक उसके पास टाइम है जब वो इन इन तीनों करैक्टरिस्टिक्स पे जब तक काम करता है और जब तक ये उसके जो है फिनिश नहीं हो जाते और वो डाटा कलेक्ट करता रहता है तो इसको हम सिक्वेंशल सैम्पलिंग कहते हैं इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक कि एक रिसर्चर ने डिसाइड किया कि उसने सिक्सटी वीडियोज़ को से डेटा कलेक्ट करना है जो कि सत्तर साल की ज़्यादा उम्र की हैं और और जिनको इतना दस साल का अर्सा हो गया कि वो विदाउट हर पाउस रह रही हैं तो उन रिसर्चर ने इसके लिए प्लान आउट किया कि वो ट्वेंटी ट्वेंटी करके इस सैम्पल को रीच रीच आउट करेगा पहले ट्वेंटी वीडियोस uh, को सब uh, जो है उनसे डाटा कलेक्ट करेगा फिर ट्वेंटी uh, जो वीडियोस से डाटा कलेक्ट करेगा और फिर उसके बाद लास्ट ट्वेंटी वीडियोस से डाटा कलेक्ट करेगा मगर जब उसने फोर्टी uh, uh, जो वीडियोस से डाटा uh, कलेक्ट कर लिया तो उसे ये लगा कि देर इज़ नथिंग न्यू कमिंग आउट इन द डाटा एंड ही और शी डिसाइडिड के ही और शी हैज़ टू स्टॉप द डाटा कलेक्शन एज़ द सेचुरेशन पॉइंट हैज़ रीच्ड आउट तो इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि ठीक है जितना डाटा कलेक्ट हो गया उसी को एनालाइज करने की ज़रूरत है तो इस टाइप ऑफ सैम्पलिंग को हम सिक्वेंशियल सैम्पलिंग कहते हैं